लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए भारत की 130 करोड़ की जनता से 5 अप्रैल को रात 9 बजे से 9 मिनट का समय मांगा है। इस दौरान मोदी ने 9 मिनट तक घरों की लाइट बंद करने का आह्वान किया है। यदि ऐसा होता है, यानी 9 मिनट लाइट बंद रहती है, तो इसका विद्युत वितरण कंपनी पर बहुत फर्क पड़ेगा। न्यूज 29 इंडिया के एडिटर इन चीफ आशुतोष द्विवेदी ने अधीक्षण यंत्री जनरेशन जबलपुर के अनिश सिंघई से चर्चा की और उनसे जाना कि यदि भारत के सभी शहरों और ग्रामीण इलाकों में 9 मिनट तक लाइटें बंद की तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। इस मामले को लेकर अनिश सिंघई ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी बड़े बड़े प्रतिष्ठान और रेलवे बंद पड़े हैं। सिस्टम से 20-25% लोडिंग कम हो गई है। उन्होंने कहा कि बिजली स्टोर नहीं होती है, जितनी जरूरत होती है बनती जाती है। डिमांड बढ़ती है तो पावर प्लांट पर लोड बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है जिसे 49.5 से 50.5 के बीच ऑपरेट करते हैं। यदि डिमांड बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, तो लोड बढ़ाकर फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर देते हैं। अंधेरा होते ही जैसे जैसे लाइटें जलना शुरू होती है वैसे वैसे लोड बढ़ाना पड़ता है। इससे धीरे धीरे पावर प्लांट पर लोड बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 7-8 बजे तक जब पूरी लाइट चालू हो जाती है तो लोड स्थायी हो जाता है। अब जब 9 बजे सभी के द्वारा लाइट बंद की जाएगी, जिससे सब स्टेशनों पर वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा, इससे ग्रिड फेल हो जाएगा। यदि ग्रिड में डिस्टर्बेंस आई तो उसे ठीक होने में कम से कम 12-24 घंटे तक लग सकते हैं। इस दौरान सारे प्लांट और सब स्टेशन बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लाइट बंद होने से अस्पतालों में भी बिजली आदि की समस्याएं आ जाएगी। आप भी सुनिए अधीक्षण यंत्री जनरेशन जबलपुर के अनिश सिंघई से क्या चर्चा हुई। मैं एक जानकारी चाह रहा था कि जो ये 9 मिनट के लिए जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का आह्वान किया है, इस पे लेके आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहिए। इस पे कोई क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके का पड़ेगा? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जो जी मेरा कहना ये है कि अभी लॉकडाउन के कारण सारी इंडस्ट्रीज, रेलवे सिस्टम, बड़े जो प्रतिष्ठान है वो सब बंद हैं जी। तो करीब 20-25% लोडिंग जो है वो सिस्टम पे कम हो गई है जी। बिजली जो है वो कभी स्टोर नहीं होती है जी। बिजली जितनी जरूरत पड़ती है उतनी बनती जाती है। यदि डिमांड बढ़ती है तो पावर प्लांट पर लोड बढ़ाना पड़ता है जी। और इसके लिए फ्रिक्वेंसी का बैंड होता है जी, क्या 49.5 से लेके 50.5 के बीच में ऑपरेट करते हैं। जैसे डिमांड बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी कम होने लगती है, तो लोड बढ़ा के फ्रिक्वेंसी को मेंटेन कर देते हैं जी। अभी चूंकि मैक्सिमम लोड लाइट का लोड है, होम लाइट का लोड है, जो अपने घरों की लाइटिंग का लोड होता है जी, तो रात के वक्त जैसे अपन 6-7 बजे से लाइट जलना शुरू होती है तो धीरे धीरे लोड बढ़ना शुरू होता है जी। तो धीरे धीरे पावर प्लांट पर लोड बढ़ाना शुरू कर देते हैं लोग। 6 बजे सपोज करिए कि 10% लाइट चालू हुई जी, तो 10% लोड डिफरेंट जनरेटर में लोड बढ़ा लिया जाता है जी। ऐसा करते करते जब हमारी 8-7 बजे तक सभी लाइटें ऑन हो जाती है तो लोड लगभग स्टेबल हो जाता है जी। अब जैसे ये 9 बजे सडनली लाइट बंद की जाएंगी सभी के द्वारा एक साथ, मैं ये मान रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 70% लोग भी यदि ऐसा काम करते हैं जी, तो 70% लाइटिंग लोड जी, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि करीब करीब 15-20% जो सिस्टम डिमांड होगी उसके हाथ आएगा जी, तो सडनली एक साथ बंद हो जाएगा। एक साथ बंद होगा तो जनरेटर में डिमांड तो उतनी नहीं, डिमांड कम होगी मगर जनरेटर जनरेट करते रहेंगे जी। तो ऐसी कंडीशन में दो तरह की दिक्कतें आती हैं। एक ये आता है कि जो वोल्टेज लेवल होता है वो बढ़ जाता है सब स्टेशनों में जी, और सब स्टेशनों में जो इक्विपमेंट होते हैं इनमें ट्रिपिंग बंद करने की व्यवस्था लगी होती है, कोई रेले लगे होते हैं, रेले लगे होते हैं जी, तो वो रेले उसको ऑपरेट कर देंगे तो वो ट्रिपिंग हो जाएगी जी। तो ट्रिपिंग हो जाएगी तो डिमांड और कम हो जाएगी जी। तो इसका इम्पैक्ट जाएगा जनरेटर पर। जनरेटर चूंकि ये मान के चल रहे हैं, सपोज करिए हमारे पास 100 किलोवाट का लोड है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी जी, और वो अचानक घट के 80 हो गया जी, पर जनरेटर अपने 100 किलोवाट से कर रहा है, उसी तरह से चल रहा है उस तरह से जी, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगेगी जी। तो जनरेटर में एक अपना अरेंजमेंट होता है कि यदि फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के बाद वो ट्रिप हो जाता है जी। भाई आप किसी चीज को ज्यादा
इनपुट दे रहे हैं और उससे निकाल कम रहे हैं जी, की स्पीड बढ़ने लगती है, उसकी स्पीड लिमिट होती है, और यदि वो झटके में बढ़ती है तो उसमें ट्रिप, तो उसमें क्या हो, जनरेटर ट्रिप हो जाएगा, जनरेटर ट्रिप हो जाएगा, तो डिमांड जो ऑलरेडी 80 किलोवाट की भी थी सपोज करिए जी, वो पूरी नहीं हो पाएगी जी, कुछ जनरेटर ट्रिप हो जाएगी, तो इससे ऐसे सिस्टम में डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है। जो भी डिमांड अचानक डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई, जनरेटर ओवरलोड हुए, जनरेटर ट्रिप अचानक बढ़ गई, जनरेटर नहीं कर पा रहे, तो इससे जो डिस्टर्बेंस आता है इससे ग्रिड फेल हो जाता है जी। जो हमारा ग्रिड होता है ये पावर हाउस से लेके जो हाई टेंशन लाइन होती है, जो नीचे वाली सबस्टेशन होती है, इस सबको मिला के एक हर स्टेट में एक लोड डिस्पैच सेंटर होता है जी। तो इसको लगातार मॉनिटर करता रहता है 24/7 जी। और आज की डेट में ये नेशनल ग्रिड बन गई है और सभी राज्य इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं जी। तो ऐसे में यदि सडनली लोड थ्रू ऑफ होता है तो उस केस में इस बात की बहुत संभावना है जी, बहुत संभावना, मतलब मैं कहूँ की 2% भी संभावना है कि इस सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ सकता है। रिस्क है। अच्छा, मतलब अगर ये 9 मिनट सभी लोगों ने अगर बंद कर दिया, मान लो 70% लोगों ने भी बंद कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक, मतलब ये एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, मैं ये समझ लूँ। कितने लोग करेंगे जी, लोगों को ये पता है कि सिस्टम में कितना लोड उसमें रहा होगा जी, मगर ये इस बात की आशंका जताई जा रही है। और इसको लेके जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जो ग्रिड कॉर्पोरेशन वगैरह है और जो लोड को मैनेज करने वाली संस्थाएं हैं, इन सभी को आज शायद 11:30 बजे इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं किस तरह से किससे निपटा जाए जी। कुछ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो स्टेशनों में जाके जी एक ऑफिसर और एक स्टाफ लिख बैठे डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको मैनेज जी जी जी। तो मेरा कहना है कि ये पूरे हिंदुस्तान में जो भी होने वाला है जी, तो हर जगह ये कर पाना कहीं चुनौती ना बन जाए, जी है। जी जी, अगर मान लो अगर 9 मिनट के लिए सभी ने बंद कर दिया तो फिर लाइट अपन कब तक ये इसकी आपूर्ति कर पाएंगे, फिर कितना टाइम लगेगा? नहीं नहीं, यदि मान लो सब कुछ ठीक रहा और ये 9 मिनट लोगों ने बंद रखा और ग्रिड में जी, तो लोग फिर चालू करेंगे, धीरे धीरे वो सब नॉर्मल हो जाएगा जी। यदि मतलब आपकी संभावना कम भी हो, मगर इसकी संभावना रही ग्रिड में डिस्टर्बेंस आ गए जी, तो फिर ये मान के चलिएगा कि 12 से 14 घंटे तक लग सकते हैं दोबारा ग्रिड को नॉर्मलाइज करने में, क्योंकि सारे प्लांट बंद हो जाते हैं उसमें जी, और सारी सबस्टेशन बंद हो जाती है जी, तो फिर प्लांट को चार्ज बिजली लगती है जी। कोयले से बिजली बन रही है, मगर उसको कोयले से बिजली बनाने के लिए पहले उस प्लांट को खुद को चालू करने के लिए बिजली देना पड़ती है जी, क्योंकि ग्रिड में बिजली होती ही नहीं है जी, सही से बिजली नहीं आ रही होती है, तो पहले हाइड्रो प्लांट चालू करते हैं, फिर वहां से बिजली सप्लाई प्लांट देते हैं, ऐसे करते हैं, एक लाइन के साथ धीरे धीरे शुरू की जाती है, तो उसमें 12 से 14 घंटे भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम कितना डिस्टर्बेंस होता है जी। जी, इसके अलावा और कोई टेक्निकल चीज? टेक्निकल चीज बस ये है कि यदि सडनली लोड थ्रो ऑफ होता है जी, और यदि चूंकि सबका डर ये नॉर्मल कोर्स में यदि ये होता रहता है तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं आती है, क्योंकि रेलवे का लोड है, इंडस्ट्री का लोड है, एग्रीकल्चर का बहुत सारा लोड रहता है, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। हाँ, इस वक्त तो अभी तो सभी चीजें बंद हैं, सब बंद होने से क्या हो रहा है कि जो लोड रहता है वो डोमेस्टिक लोड ही रहता है जी, तो ये डर इसलिए समाया हुआ है इस वक्त, क्योंकि हमारे जो जनरेटर्स हैं आप देखेंगे कि अधिकांश जो हमारी जैसे एमपी के अंदर की डिमांड है, जो इस समय 10-11 हजार मेगावाट चलती थी जी, वो अभी 7 हजार मेगावाट पे आ गई है जी, मतलब 5-1 हजार कम हो गया है। हाँ, 4-5 हजार मेगावाट की डिमांड कम हो गई है जी, तो ऐसी कंडीशन में डर ये लगता है कि कहीं धोखे से भी उसमें डिस्टर्बेंस आ गया जी, तो उस केस में ग्रिड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो लोग कोशिश कर रहे हैं उसके लिए जी, सारे लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से ग्रिड को मैनेज किया जाए जी, मगर चूंकि इसमें जो सेफ्टी सिस्टम जो लगा होता है, इसको हम लोग रिले सिस्टम कहते हैं जी, वो मिली सेकंड में ऑपरेट होता है, मिली सेकंड में जी, मैं आपको सेकंड की भी नहीं बोल रहा हूँ, मिली सेकंड में, मिली सेकंड में ऑपरेट हो जाते हैं वो जी, वोल्टेज सडनली बहुत ज्यादा तेज ऑफ हुआ वो कुछ मिली सेकंड में उसको बंद कर देता है जी जी जी, तो ऐसे कंडीशन में डर ये लगता है कि कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, ग्रिड फेल ना हो जाए जी, अगर ग्रिड फेल हो गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, 12 से 14 घंटे तक लग सकते हैं दोबारा ग्रिड को नॉर्मलाइज करने में जी। जी, अब उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब ये अनसर्टन होती है कहाँ पर कितना
आएगा, किस किस एरिया में आएगा जी, और कौन से प्लांट बंद हो जाएंगे, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बच जाएंगे, तो उससे मतलब पता नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है जी, आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है जी जी। तो इसको लेके हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन है उन्होंने पीएम ऑफिस में कुछ पत्र भी लिखा है, पावर को भी पत्र लिखा है, दिए जलाने का काम बिल्कुल किया जाए जी, पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए। अगर बिजली बंद करने का जो कॉल है इसको थोड़ा सा यदि कुछ इसमें दोबारा विचार हो सकता है तो अच्छा रहेगा जी, कहीं धोखे से कुछ गबर ना हो जाए जी जी, क्योंकि इस वक्त में कुछ गबर होने का मतलब होता है हॉस्पिटल की लाइट चले जाना जी, जो सारी सिस्टम चल रहा है उसकी लाइट चले जाना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है जी। और हमारा कहना है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत कम दिक्कत नहीं आएगी, पर यदि आशंका 1-2% की भी हो कि डिस्टर्बेंस हो सकता है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए जी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।